हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज हम बात करेंगे कमरक के बारे में। कमरक को इंग्लिश में स्टार फ्रूट भी कहा जाता है। ये एक देसी फल है और इसका स्वाद बहुत ही खट्टा होता है। कमरक का इस्तेमाल मुख्य रूप से अचार और चटनी बनाने के लिए किया जाता है। इसे काली मिर्च और नमक के साथ खाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ अनजाने फायदों के बारे में। कमरक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के रिच सोर्सेस में से है, जो एक्जिमा के इलाज में मदद करता है। वजन कम करने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके एक फल से आपको 30 कैलोरीज, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और हाई फाइबर मिलता है। कमरक में विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है, जो दिल की बीमारियों और स्ट्रोक को रोकने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें राइबोफ्लेविन, नियासिन और थायमिन मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें विटामिन ए और सी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कमरक का इस्तेमाल आंखों के इलाज के लिए भी किया जाता है। अगर आप कमरक को विटामिन B6 के साथ लेते हैं तो ये आपके डाइट में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है। कमरक में प्रचुर मात्रा में कॉपर होने के साथ साथ अन्य मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। इसमें भरपूर मात्रा में जिंक और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये ब्लड को प्यूरिफाई और पिंपल्स को दूर करने में मदद करता है। बालों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी होता है, जो कमरक में भरपूर मात्रा में होता है। ये आपके बालों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। यदि किसी कपड़े पर लोहे का जंग का दाग लगा हो तो इसके लिए कमरक के फल को उस दाग वाली जगह पर अच्छी तरह से रगड़ ले। 8 से 10 मिनट बाद इसे पानी से धो ले, दाग पूरी तरह से निकल जाएगा। यदि आपको भूख ना लगती हो या फिर आपका खाना खाने का मन ना करता हो तो इसके लिए सुबह के समय 1 ग्लास कमरक का रस ले। इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाकर इसका सेवन करें। 3 से 4 दिनों तक लगातार ऐसा करने से आपकी भूख बढ़ जाएगी। अगर आपके सिर में डैंड्रफ हो गई हो तो इससे छुटकारा पाने के लिए बादाम के तेल में कमरक के रस को मिलाकर सिर में लगा ले। आधे घंटे के बाद इसे धो ले। इससे आपकी डैंड्रफ निकल जाएगी और साथ ही आपके बाल शाइनी बन जाएंगे। अब ये बात तो पक्की है कि कमरक के इतने फायदे जानने के बाद आप इसे खाए बिना तो नहीं रह पाएंगे, पर ये ध्यान में जरूर रखिए कि गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात भी हो सकता है। इसी के साथ कमरक के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यही पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू। फलों का राजा आम शायद ही किसी को ना पसंद हो। गर्मियां अपने साथ आम का सीजन लेके आती है। आम कई तरह के होते हैं, स्वाद में, आकार में। हापुस, रत्नागिरी, नीलम, तोतापरी, बादाम, ये कुछ आम की प्रजातियां हैं। आम कच्चा और पक्का दोनों रूप में खाया जाता है। आम में एमिनो एसिड, विटामिन ए, सी और ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और भी कई तरह के एंजाइम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।